सबसे पहले आप सभी को हमारी टीम की तरफ से नए साल की मुबारकबाद, लेकिन हमारे जम्मू और कश्मीर के टीचर्स के लिए ये नया साल काले दिन के तौर पर जो है वो मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रेस क्लब जम्मू के बाहर इस वक्त मौजूद है, जहां पर लगातार जम्मू और कश्मीर के उस्तादीजा की जानिब से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो है एहतजाज किया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से आज कुछ लोग जो है वो नया साल मना रहे हैं, और वही जम्मू और कश्मीर के उस्तादीजा जो है वो इस दिन को क्या दिन के तौर पर मना रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए, आज ऑल इंडिया पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के साथ साथ बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस 1 जनवरी 2023 आज इस साल का पहला दिन है, और जो हमारा हक, जो जम्मू कश्मीर के लाखों कर्मचारियों का हक छीना गया था, आज की तारीखों की छीना था पुरानी पेंशन, उस पेंशन को लेके आज जम्मू कश्मीर के कर्मचारी जहां पे काला दिवस मना रहे हैं, काला दिन, क्योंकि ये काला कानून हमारे लिए आया था। पुरानी पेंशन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो चलती आ रही थी उसको बंद कर दिया गया, और एक एनपीएस लेके आए जिसका निजीकरण हमारे पैसे का हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन। हम मांग करना चाहते हैं यहाँ के महामहिम उपराज्यपाल साहब से कि आज ही ऐतिहासिक फैसला आप लें, आज के ही दिन पहला, इस साल का पहला दिन है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। हम चुपचाप अपने घर जाएंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन हमारा बुढ़ापे का सारा है, पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे की लाठी है। जब हम बूढ़े होंगे 60 साल के बाद, सरकार देखो 60 साल के बाद बुढ़ापा पेंशन देती है, क्यों जरूरत पड़ती है पेंशन की? और जो 40 साल देंगे विभागों में, अन्य अन्य विभागों में जो लोग काम करेंगे उनकी पेंशन को बंद करके उनको फोर्सली फोर्स किया सरकार ने उनको सड़कों में आने के लिए। कल भी हमारा धरना 2 दिन का है, कल भी हमारा यहीं पे धरना होगा 2 दिन का, उसके बाद हमारी अगली रणनीति जो होगी वो तय होगी। और आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लाखों कर्मचारी जो हैं उनको उग्र रूप धारण करने से पहले सरकार कदम उठाए, सरकार पुरानी पेंशन ले, जो सरकार के एमएलए एमपी ले रहे हैं वही पेंशन जो देश में 1947 से चलती आ रही थी, वही पेंशन जो कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी और हमारे फोर्सेस के सारे जवान, राजनेता ले रहे थे, लेकिन राजनेताओं ने सिर्फ अपने लिए रखा और कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया गया। आपके माध्यम से अपील करेंगे कि शीघ्र पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। सर, कुछ स्टेट्स में सर क्या है? भूपिंदर सिंह, प्रेसिडेंट जेके टीचर एसोसिएशन का, नेशनल कन्वीनर ऑल इंडिया पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट। सर, कुछ स्टेट्स में जो है ओपीएस बहाल की गई है, फिर जम्मू और कश्मीर में क्यों नहीं? देखिए, पिछले 2 सालों से लगातार हमारे देश के कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, आज जो काल है ये पूरे देश में है, आज की काल जो है पूरे देश में है, और कर्मचारियों का संघर्ष रंग ला रहा है। जम्मू कश्मीर में भी अभी पिछले 1 सालों से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए, पुरानी पेंशन के लिए, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा संघर्ष कामयाब हो रहा है। हमें उम्मीद है कि शीघ्र जहां भी पुरानी पेंशन बहाल होगी, नहीं होगी तो आने वाले दिनों में आप देखोगे जहां के लाखों कर्मचारी सड़कों में होंगे। नए साल का पहला दिन ही आपने इस एहतजाज के लिए क्यों चुना? देखिए, पहली तारीख को ही पेंशन बंद की थी, और नया साल शुभ काम, हमारा शुभ काम है ये पुरानी पेंशन, जो हम चीज मांग रहे हैं हम शुभ चीज मांग रहे हैं, अच्छी चीज मांग रहे हैं, जो ली थी इन्होंने, जो पेंशन हमारे बुजुर्गों ने ली, जो पेंशन अभी यहाँ के सारे एक्स एमएलए एमपी ले रहे हैं, अच्छी चीज तो शुभ दिन ही मांगनी चाहिए। पहला दिन है साल का, इसलिए हम आज ये चीज मांग रहे हैं कि हमारे बुढ़ापे का सारा, हमारे बुढ़ापे की लाठी, हमारा सुख चैन जो है बुढ़ापे का, पुरानी पेंशन, उसको शीघ्र दिया जाए। आज लोग इस नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज आप इसे काले दिन के तौर पर मना रहे हैं, क्यों? देखिए, काला दिवस एनपीएस जो कानून है, अगर गवर्नमेंट है तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरा होना चाहिए। हम आधे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमारा पैसा, हमें वेतन मिलता है, कुछ पैसा हमारा निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, क्यों जा रहा है हमारा पैसा वो कंपनीज में क्यों जा रहा है? हमें मिलना चाहिए, काला कानून है, इसलिए हम इसको मना रहे हैं कि जो सरकार 2010 में हमें देर समझाइए पूरी एनपीएस क्या है, लेकिन ये काला कानून है, ये हमारे लिए पुरानी पेंशन शीघ्र लेकर आए और अच्छी चीज है, इसलिए हम इसको पहले दिन, साल के पहले दिन हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि इसको रिस्टोर करे पुरानी पेंशन। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के उस्तादीजा की जानिब से आज नए साल के इस पहले दिन को शाह दिन के तौर पर मनाया जा रहा है, और ये मांग की जा रही है कि पुरानी पेंशन यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, जिस तरह
दूसरी कई स्टेट और यूटीज में लागू की गई है। दो दिन का इनका यह एहतजाज चलेगा। कुछ लोग बड़े शोक से आज इस नए साल के पहले दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहीं जम्मू और कश्मीर के उसातिजा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आज इस साल के पहले दिन को शाह दिन के तौर पर मना रहे हैं। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बन रही है इंक्वायर के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।